भाई देखो, शुरू की जो कंपलसरी हेडिंग्स टैग्स थी वो हम हर दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। HTML, हेड, टाइटल और बॉडी तक, ठीक है। बॉडी के बाद हमारा काम शुरू होता है। टेबल बनाया मैंने, इसको बॉर्डर वन दिया। यहाँ आप ये डबल कॉलम जो है ना, वो ऑफिस ट्रॉफी वो लगाना चाहें नहीं चाहें, आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद मैंने एक यहाँ पे इसको दे दिया टेबल का रो। उस रो में मैंने दो टेबल डेटा इंसर्ट किए, एक कंपनी और दूसरा कॉन्टैक्ट। इसको मैं कॉन्टैक्ट पर्सन कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। फिर दूसरा रो मैंने TR एस्टिमेट को बताया कि जी दूसरा, नोट पैड के थ्रू इसको बता रहा हूँ जी, दूसरा रो इंसर्ट करो। उस टेबल रो का पहले समझो, बाद में टाइप करना। इसको बताया जी ये टैग्स है, टेबल बनाओ, उसका बॉर्डर एक रखो, सादा एक एक लाइन वाला बॉर्डर रखो, ज़्यादा थिक ना करो, मतलब 2 4 5 करूँगा इसको और ज़्यादा थिक करेगा वो। फिर उसके बाद टेबल इसने बना दिया, बॉर्डर वन कर दिया। अब उस टेबल में मैंने उसको बताया जी TR एक टेबल रो इंसर्ट करो। टेबल रो उसने इंसर्ट कर दिया, अज्यूम करो उसने टेबल रो इंसर्ट किया। इंसर्ट किया जी, उस टेबल रो का दो डेटा मैं दे रहा हूँ। पहले टेबल डेटा क्या दे रहा हूँ, एक कंपनी दे रहा हूँ, फिर उसको क्लोज करके फिर दूसरा डेटा उसको दे रहा हूँ मैं, टेबल डेटा कॉन्टैक्ट पर्सन, उसको क्लोज कर रहा हूँ। फिर मैं अभी HTML को बता रहा हूँ नोट पैड के थ्रू जी, दूसरा रो इंसर्ट करो, उस रो का पहला डेटा DGCIMENT ले लो, उसको क्लोज करो, और उसका दूसरा जो है ना एक और डेटा ले लो TD, उसका नेम, उसका जो डेटा है उसमें खालिद हुसैन रखो, और टेबल को कर दो क्लोज, बॉडी कर दो क्लोज, HTML क्लोज, ठीक है। बिल्कुल सादा, दो रो दो कॉलम लिया है मैंने, ज़्यादा इसमें और कोई मर्जिंग वर्जिंग कुछ यूज़ नहीं किया, ताकि आपको पता चले सिंपल टेबल कैसे क्रिएट होता है। जैसे हम फॉन्ट वगैरह के लिए करते हैं, उसका टैग लगाते हैं, बाद में उसके बिहेवियर्स या एलिमेंट जो कहते हो, इसी तरह ये TD, TR, टेबल हेडिंग, ये सारे इसके मजीद बिहेवियर और एलिमेंट्स आप इसको कह सकते हो टेबल के, ठीक है। हो गया ये यहाँ तक, यही चीज़ मैंने उस वक्त आपको थ्योरेटिकली बताया, अब प्रैक्टिकली बताया। अब इसको मैं करता हूँ रन, ठीक है। ये मैंने रन करके रखा हुआ है, इसको समझ आ गई बात। ये एक टेबल बताया बनाया है इसने, इसका बॉर्डर वन दे दिया हुआ है। ये पहला जो रो है उसमें इसने टेबल डेटा कंपनी लिया, फिर ये टेबल डेटा कॉन्टैक्ट पर्सन ले लिया, फिर TR किया मैंने, उसका TR का पहला टेबल डेटा TD इसने DGCIMENT ले लिया, और दूसरा जो फिर TD किया मैंने, उसमें मैंने टेबल डेटा क्या डाला, खालिद हुसैन डाला, दो कॉलम बन गए। इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड कर दूं, अगर थोड़ा और आपको क्लियर हो। अच्छा जी, इसके लिए मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे एक और मैं टेबल डेटा ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ जी फोन, ठीक है, और इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं बॉर्डर को भी कर देता हूँ 5, ताकि आपको पता चले, 4 कर देता हूँ कि इससे क्या होता है। और यहाँ पे एक और इसका भी ऐड कर देता हूँ मैं, इधर कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ जी, क्या है, इसको मैं देता हूँ 0314 कर दिया, और इसको मैंने टेबल डेटा क्लोज कर दिया, ठीक है, सॉरी ये हो गया क्लोज, ठीक है, सारे सही क्लोज हो गए। सिर्फ एक और कॉलम मैंने, एक और रो मतलब इंसर्ट किया है, इसको भी रन करके देखते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जितना टेबल रो करके और नीचे रो जितना इंसर्ट करते जाओगे, वो मतलब आप बढ़ाते जा रहे हो नीचे, टेबल डेटा उसका ऐड करते जाओगे, वो आगे उसी तरह बढ़ता जाएगा। आप ये एग्जांपल्स आप देखते जाओगे, करते जाओगे, आपको समझ में आएगा।